अध्यक्ष विधानसभा एक संस्था है जिसमें सभी चुने हुए प्रतिनिधि जिन्हें विधायक कहा जाता है वो इस संस्था के सदस्य हैं। आज वो 450 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं। मैं जिनको इंटरव्यू दे रहे हूँ आप लोग भी 450 स्क्वायर फीट में नहीं रहते होंगे। शिवराज जी आप ही के ज़माने में इसमें परमिशनें मिली, चाहे ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, चाहे वृक्षों को उन्हें पौधारोपण करके लगाया गया हो या 33 लाख रुपए दिए गए हों, ये सब आपके ज़माने में हुआ। आपने इस विषय को आगे बढ़ाया। अध्यक्ष एनपी प्रजापति रुके हुए कामों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आज मुझे दुख हुआ भास्कर में पढ़ के कि आपने कहा कि अध्यक्ष जी अड़े ना। नहीं, ऐसा मत करिए। मेरा सिर्फ ये कहना, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप विधायक विरोधी हैं। लोकतंत्र की संस्था सदन विधानसभा के बारे में सार्वजनिक रूप से कृपया पूर्वक टीका टिप्पणी ना करें। रिटायर्ड IAS अधिकारी भी ना करें। जिनको बात करनी है यहाँ आए, 1-to-1 बात करें। छपास की बीमारी खत्म करें, पर्यावरण की बात, छपास की बीमारी खत्म करें। बात सुनिए, डोंट टेल, मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए। जगह की बात भाई साहब, आपको एक मिनट सर बोलो। जब आपको विषय वस्तु नहीं मालूम है कृपया प्रश्न ना करें। पहले विषय की वस्तु जानिए, उसमें क्या क्या परमिशनें हो गई हैं। अधकचरा न्यूज जनता को न परोसें। आप पहले विषय का ज्ञान ले लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये सब परमिशनें हो चुकी हैं, अभी नहीं, पूर्व की सरकार ने कर दी, शिवराज ने कर दी, और आज ही वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये गलत बात नहीं, ये देखिए हर चीज को ऐसी चीज में ना ले जाइए। हर चीज की भाई साहब आपको जानकारी नहीं है। वहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ पे ये निर्माण होना है। आप लोग पहले, मैं बोल रहा हूँ ना, विषय वस्तु ले लीजिए। व्यवसायी लोगों के झगड़े में पत्रकारिता ना पड़े। ये व्यवसायी लोग आपस में झगड़ रहे हैं उसका ये प्रतिफल है। वंदे मातरम कहें,